हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद मी वंदिता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं, फाउंडेशन चेन कैसे बनाते हैं। ये उनके लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, आपको वूल चाहिए, आपको एक हुक चाहिए। आप वूल के हिसाब से हुक ले सकते हैं, या अभी शुरुआत में आप थोड़ा मोटा हुक भी ले सकते हैं जिससे आपको ईजिली आ जाए। आप थोड़ी मोटी ऊन लें तो स्टार्टिंग में अच्छा रहता है सीखने के लिए। और स्टार्ट करें, आपको अपने राइट हैंड में हुक को पकड़ना है। आप इसको हुक को ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं या हुक को ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड में अपनी फिंगर पर आप इसको ऐसे लपेट के रखेंगे और इन दो फिंगर से, अपने थंब से और इस फिंगर से, इस थ्रेड को ऐसे होल्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं नोट से। स्लिप नोट होता है एक, पहले भी कभी बनाया होगा, और ऐसे दोबारा देखिए, एक स्लिप नोट बनाएंगे, ऐसे लिया, इसके बीच से हमने ये वाला थ्रेड ऊपर लिया। या फिर आप इसको ऐसे होल्ड करें और इस हुक को ऐसे रखें, जस्ट ट्विस्ट कर दें और ये आपका नोट बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, आपने हुक को वूल के ऊपर रखा, इसको नीचे से लेके आए और ऐसे घुमा दिया, बस कुछ नहीं करना और इसमें से चेन बन जाएगी। एक दो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से चल रही है वीडियो, तो YouTube में एक ऑप्शन है जिसमें आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फाउंडेशन चेन बनाने से। मैं ये नोट प्रेफर करती हूँ और हमने इसको ऐसे बनाया। इसे थंब से और फिंगर से ऐसे होल्ड करेंगे, इसको थोड़ा लूज ही रखेंगे ताकि जो हुक है हमारा ईजिली मूव कर सके। थ्रेड लेंगे या वूल लेंगे जो भी, और इसके बीच से ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे और ऐसे ही अपनी चेन को हम बनाते जाएंगे। चेन को हम इस वाले फंदे को बड़ा करते हैं ताकि ये सब आपका उधर ना जाए। तो जब हम काउंट करते हैं तो हम इसको वन काउंट करेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, सिक्स, सेवन और एट, और ये जो है ये नाइन्थ हमारा हो जाएगा। चेन को ऐसे काउंट करेंगे और ये टेन। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट 10 चेन्स का चाहिए तो हम हमेशा एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के बनाने के लिए। चाहे अगर हमें 100 चेन्स का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो हम 101 चेन लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा चेन बनाई है इसको हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, हम इसे स्किप कर देंगे। और अब सिंगल क्रोशे देखो, ये हमारी फर्स्ट चेन कहलाती है। हुक को लेंगे हम, ये थ्रेड ऐसे लेंगे और इसके बीच से निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से इसको होल्ड करेंगे, फिर से हम लोग अपना वूल लेंगे हुक पे और इन दोनों के बीच से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा वन सिंगल क्रोशे बन गया। सेकंड चेन, फिर से हम सेकंड चेन के बीच में हुक को लेंगे, थ्रेड ये लेंगे वूल को ऊपर, हुक के ऊपर यहाँ से होल्ड करेंगे, फिर से एक फंदा लेंगे और इन दोनों के बीच से हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये टू सिंगल क्रोशे बन गए। थर्ड सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग हुक को लेंगे, वूल को ऐसे ले आएंगे बाहर और इन दोनों के बीच से हम लोग हुक को ले आएंगे। फोर,
और ये हमारा सिंगल क्रोशे बनता जा रहा है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं, इन दो फिंगर से इसको होल्ड करती हूँ ताकि ईजिली इसको आगे बना सकूँ, नहीं तो ये ऐसे हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसको ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चेन से हम लोग सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और ये आपका सिंगल क्रोशे बेसिक लाइन बनती जा रही है। ये देखिए, और ये हमारे 10 सिंगल क्रोशे सिंपल रो यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, ये जो लास्ट में है। और हम इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे, लास्ट में एक चेन बनाएंगे और इसको थोड़ा बाहर निकाल देंगे ताकि ये हमारा निकल ना जाए, सारा उधर ना जाए, और ये हमारा सिंगल क्रोशे लाइन कंप्लीट हो गई। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।